वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और जी मैं चाहूंगा कि यदि आपके मध्य प्रदेश में कुछ तार जो है लगे हुए हैं और जी आपको उसमें कुछ उत्साही और अच्छे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो क्राइम जी फ्री भारत 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित है। उसने ये जी निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के, जी और यदि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो पाए तो वहां पर भी, लेकिन जी मध्य प्रदेश में तो 100% उतारेंगे। 230 सीट्स हैं, उन सभी सीट्स पर हम अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तो जी यदि आपके पहचान के कुछ लोग हैं जो जी युवा हैं, अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, जिनकी अच्छी छवि है, यदि वो जी अपराध मुक्त भारत मिशन की प्रतिनिधि के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर यदि उतरना चाहते हैं, तो उनके जी नाम नंबर मुझे भेजिए और यदि उनसे बात करके आप मुझे बात करा सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। तो हैं तो काफी लोग, परंतु हम पहले उनसे बात कर लें, तब आपको फिर नंबर हम उपलब्ध करवा हाँ पाए। हाँ उनको ये जरूर बताइए कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के कुछ वीडियो आपसे, मतलब मुझसे बात कराने के पहले जरूर देख लें, क्योंकि जी उन्हें ये जानकारी होना चाहिए कि हम जी अभी भी गुलाम हैं। केवल जी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों को। जी जी हमारे ऊपर वही 1857 को कुचलने के लिए बनाए गए जी नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे, जो कि जी भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए बनाए गए थे, वो दुर्भाग्य का विषय है कि 75 साल के बाद भी आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। जो जी लाठसाबी व्यवस्था मुट्ठी भर अंग्रेजों के माध्यम से भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए और शोषण के लिए बनाई गई थी, और पूरा धन जो है वो ब्रिटेन में भेजने के लिए बनाई गई थी, दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे अबुद्ध मूर्ख जी दुष्ट, और ये मुझे कहने में आपत्ति नहीं है कि देशद्रोही और दुष्चरित्र और अपराधी चरित्र के इन राजनेताओं ने 75 सालों के बावजूद भी अपनी प्रिय जनता के ऊपर वही गुलामों की जुडिशियल और प्रशासकीय व्यवस्था थोप के रखी है। जी जो लाट साहब है, सुधार के नाम पर इसी लाट साहब व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। शुक्ला जी, आप जी मानते हैं कि ये बहुत ही लज्जा और दुर्भाग्य का विषय है, जी जी और हम विद्वानों ने हमें अपनी विद्वत्ता पे थोड़ी सी लज्जा आएगी तो अच्छा होगा कि जी हमने अपना काम नहीं किया। हम अपने परिवार को पालने वाले, अपना पेट पालने वाले बहुत छोटे प्राणी बन गए हैं। हमारी जी शिक्षा, हमारा सोच, हमारी विद्वत्ता बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा आचरण बिल्कुल घटिया और बेकार है। देश प्रेम तो उसमें कहीं भी नहीं है। जी हमने हमेशा अपने को सबसे आगे रखा, फिर अपने परिवार को, फिर समाज को, और देश में कुछ लिए थोड़ा बहुत बचा तो थोड़ा बहुत देश को भी मान लें, वो भी लिप सर्विस के अलावा कुछ हम लोगों ने नहीं किया। इस देश के जी दुष्ट राजनेताओं ने इस देश का इतिहास बदल दिया और हम विद्वान चुप रहे। इस देश के दुष्ट जी नेताओं ने संविधान के प्रावधानों के विपरीत कानून बनाए और हम विद्वान चुप रहे। संविधान की व्यवस्था के विपरीत बिना पार्लियामेंट भेजे आर्टिकल 35 पैदा कर दिया गया और हम विद्वान चुप रहे, क्योंकि हम लोग घटिया लोग हैं। हम लोग अपने लिए जीते हैं, अपना पेट पालते हैं। शुक्ला जी, इस आकलन से जी आप कहां तक सहमत दिख रहे हैं? आप तो सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, यदि ये पीड़ा नहीं होगी तो देश नहीं बदलेगा। जी ये हमको लड़ाते रहेंगे। ये बताइए, इस देश के संविधान ने हमको समान पैदा किया था कि नहीं किया था? जी हाँ फिर जो है मंडल कमीशन कैसे आया? क्या मंडल कमीशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं है? जी हम विद्वानों ने कहा कि साहब दिस इज द पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन। अरे भाई, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उन्हें समृद्ध बना दो। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उनको इतना सपोर्ट दो कि दो लोग जो है ना, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत ना हो, पूरे 100% लोग जो है समृद्धशाली हो जाएं। ये होता है अफर्मेटिव एक्शन। ये छोटी जी छोटी सोच के दुष्ट राजनेताओं की औकात ही नहीं है बड़ी बात सोचने की। जी ये घटिया लोग हैं जो अपराधियों को ही टिकट देते हैं, और हम विद्वानों को लज्जा ही नहीं आती है। हम मालूम नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। जी शुक्ला जी, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हम विद्वानों का बहुत बड़ा दोष है? सही कह रहे हैं, ये तो सत्य है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जिन व्यक्तियों को जानते हो, क्योंकि पत्रकारिता और उन सब चीजों से आप जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों से बात करके यदि हमें अच्छे युवा उत्साही लोग मिलेंगे
तो कम से कम मध्य प्रदेश की तो सभी 230 सीट पर क्राइम फ्री भारत ना केवल अपने उम्मीदवार खड़े करेगा बल्कि उन्हें सदस्य और चंद्रगुप्त की शपथ दिलाकर मैं आपको आश्वासन देता हूं, यदि आप लोग जो है हमारे साथ खड़े होंगे तो मैं 3 दिसंबर को सभी 230 सीट के साथ, जिसमें कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं वो भी छिंदवाड़ा से हारेंगे। जी मिस्टर जो है ना शिवराज सिंह जो विदिशा के मुख्यमंत्री हैं वो विदिशा से हारेंगे, और जी 230 सदस्य के साथ जो है ना चंद्रगुप्त 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में तो कम से कम अपनी सरकार बनाएगा। तो शुक्ला जी जी, क्या क्राइम फ्री भारत मिशन के साथ आप खड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या उसी एनर्जी से काम करेंगे? आज जो है नामांकन खुल गया है और अभी हमें निर्णय लेना शेष है, तो 24 घंटे में यदि आप हमारी मदद कर सकेंगे तो हम सभी 230 सीटों पर अपने नामांकन भर पाएंगे, तो तभी जो है ना यह फतेह का डंका फहराया जा सकेगा। जी, आप मेरे साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप नंबर कहाँ से मिला हमारा आपको? मैथिली शरण गुप्त जो कि फॉर्मर डीजीपी है, 7 साल डीजीपी रहे हैं, आप लोगों के नंबर खोजना, जो कि इतने एक्टिव लोग हैं जो समाज के लिए इतना काम करते हैं, क्या आपका नंबर जो जी है इतना दुर्लभ चीज है क्या? नहीं, नंबर दुर्लभ है। तो फिर आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, आपके पास आप तक हमारी फीड भी पहुंच रही होगी। पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है? तो जी, पहुंच रही है। जी जब आपकी फीड मुझ तक पहुंच सकती है तो हम आप तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, है बिल्कुल 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 कि नहीं? चलिए जी इसके साथ जो है मैं शाम को आपसे बात करूंगा, तब तक आप या उसके पहले आप कुछ लोगों से बातचीत करके यदि हमें कुछ नाम सुझाएंगे तो उन बच्चों जी को काम करने का मौका मिलेगा और आप अपने जी बच्चों के लिए एक अच्छा सा भविष्य निर्मित कर पाएंगे। जी ठीक चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय